दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी सिंगिंग से लोगों के दिलों में अलग ही पहचान बना ली है। उत्तराखंड के मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले परिवार के इस सिंगर ने अपनी मेहनत और लगन से आज पूरे भारत में धूम मचा दी है, जिसकी सिंगिंग के अलावा तबला बजाने को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन आइडल 12 के विनर और सुपरस्टार सिंगर 2 के कैप्टन पवनदीप राजन का लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप पवनदीप राजन के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। पवनदीप का रियल नेम पवनदीप राजन है और निकनेम पवन और पवनू है। प्रोफेशन से एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पवनदीप का जन्म 27 जुलाई 1996 को चंपावत उत्तराखंड में हुआ और 2022 के हिसाब से 26 ईयर्स के हो चुके हैं। पवनदीप को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। पवनदीप के पिता ने पवनदीप का ये शौक देखकर उसे बचपन से ही म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया था। पवनदीप ने अपने स्कूल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तराखंड से की है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। पवनदीप के फादर का नाम सुरेश राजन है और इनकी मदर का नाम सरजोर राजन है। इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम ज्योति दीप राजन है। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की तो अरुणिता कांजीलाल इनकी गर्लफ्रेंड है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पवनदीप राजन के करियर के बारे में। पवनदीप की म्यूजिक जर्नी की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। दोस्तों पवनदीप के पिता एक फेमस कमोयनी सिंगर हैं, इसलिए इन्होंने पवन की सिंगिंग करियर में उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। पवन जब 1.5 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक तबला गिफ्ट किया। पवन बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, यंगेस्ट तबला प्लेयर का अवार्ड भी मिल चुका है। 2014 में पवनदीप चंडीगढ़ चले गए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। जब उन्होंने अपना एक म्यूजिकल बैंड बनाया जिसका नाम रैयत था, इस बैंड में पवनदीप के साथ 3 और भी आर्टिस्ट थे। 30 अगस्त 2015 में पवनदीप सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 के विनर बने। इस शो के दौरान पवन बॉलीवुड के फेमस सिंगर शान की टीम के मेंबर भी थे। उसके बाद पवन ने म्यूजिक एल्बम शोली यार रोमियो और बुलेट में गाना गाया जिसका नाम यकीन है, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस सॉन्ग को पसंद किया। दास्तान मीरी पीरी का भक्त सॉन्ग दिवाली दी रात गया। पवनदीप को म्यूजिक डायरेक्टर का पहला ब्रेक फिल्म शीरी से मिला था। पवनदीप ने 2020 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में पार्टिसिपेट किया और वो इस शो के विनर भी बने। और उसके बाद पवनदीप ने कई सारे गाने गाए। आजकल पवन बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और इनकी सिंगिंग के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। और अब पवनदीप राजन रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में कैप्टन बनकर आए हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पवनदीप की सिंगिंग कैसी लगती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पवनदीप के घर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पवनदीप का अपना घर चंपावत उत्तराखंड में है, जहां वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। और दोस्तों इनका दूसरा घर मुंबई महाराष्ट्र में एक शानदार अपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है। दोस्तों वही बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में तो इनकी फर्स्ट कार है ओडी Q7 जिसकी प्राइस है 69 लाख रुपीज। इसके अलावा इनके पास सुजुकी हायाबुसा बाइक भी है जिसकी प्राइस है 13.75 लाख रुपीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। दोस्तों पवनदीप एक गाना गाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम लाइव कॉन्सर्ट, स्टेज शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी पवनदीप राजन की लाइफ स्टाइल वीडियो। दोस्तों अगर आप पवनदीप राजन के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन